नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले। 2019 के चुनावों में वीवीपीएटी मशीनों के लिए बजट को दी मंजूरी। वहीं सरकार ने लगाई लाल बत्ती पर रोक। अब मंत्रियों समेत कोई नहीं कर पाएगा लाल बत्ती का इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में मौलाना के फतवे से नाराज सोनू ने मुंडवाया सिर। अजान विवाद पर कहा, मैं धर्म निरपेक्ष हूँ। लाउडस्पीकर पर उठाया था सवाल, अजान पर नहीं। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 13 लोगों पर चलेगा आपराधिक केस। फैसले पर बोली उमा भारती, कोई भी सजा मिले भुगतने को हूँ तैयार। खराब खाने पर सवाल उठाने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव बर्खास्त। बीएसएफ की कार्रवाई पर बोले तेज बहादुर, इंसाफ नहीं मिला तो जाऊंगा हाईकोर्ट। दिल्ली एमसीडी का दंगल जीतने के लिए आपने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली में हाउस टैक्स माफ करने का किया ऐलान। एक साल में दिल्ली को साफ सुथरा करने का भी वादा। हार की हैट्रिक के बाद मायावती का ऐलान। यूपी निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पर लड़ेगी बसपा। निकाय चुनाव के जरिए संगठन को मजबूत करने की होगी कोशिश। हिमाचल प्रदेश के नेरवा में दर्दनाक हादसा। टोंस नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 46 लोगों के मरने की खबर। उत्तर प्रदेश में आग का तांडव। नोएडा के सेक्टर 11 में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 6 शवों को पुलिस ने निकाला बाहर। फैक्ट्री में अभी भी शवों की तलाश जारी। कोटा स्टेशन पर हंगामा मामले में शाहरुख खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत। कोर्ट ने शाहरुख को बताया निर्दोष। फिल्म के प्रमोशन के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लगा था आरोप। और शेयर बाजार में 4 दिनों से जारी गिरावट थमी। सेंसेक्स में 17 अंकों का उछाल। वही 9103 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।